इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने 55 वर्षीय देशराज सिंह भदौरिया की चाकू मारकर हत्या की। वह नाटीफूड कारखाने में चौकीदारी करता था। खून से सने गार्ड को पहले लोगों ने दुर्घटना में घायल समझा और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि देशराज की चाकू मारकर हत्या हुई है। लक्ष्मीपुरी कॉलोनी निवासी देशराज नाटी फूड में ड्यूटी कर आया था। रात में अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया और फरार हो गए। नस कटने के कारण देशराज बेहोश हो गए और घायल ही पड़े रहे। मौके पर भीड़ जमा हुई और दुकान संचालक मनोज अभिषेक शिवशंकर बाइक से निजी अस्पताल ले गए। मनोज ने डॉक्टर को बताया कि देशराज संभवतः सड़क हादसे में घायल हुए हैं। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि देशराज की चाकू मारकर हत्या की गई है। उसकी पीठ में चाकुओं से गहरे वार किए गए हैं। अभी साफ नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक देशराज की पत्नी व बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वह लक्ष्मीपुरी कॉलोनी इंदौर में किराए के मकान में रहता है। पुलिस को घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। फुटेज में बदमाश दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश पीठ में चाकू मारकर भागते हुए नजर आ रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। एक्सीडेंट हो गया हाँ, तो मैंने उनके नंबर पर कॉल किया, किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जो भैया यहाँ से उठा के लेके गए थे ना, मनोज करके नाम लिया हॉस्पिटल के लिए, उन्होंने मेरे को रिटर्न कॉल किया। उन्होंने बताया वो रोजी जी से एक्सीडेंट नहीं हो गया है और मैं अरविंदो लेके आया हूँ। मैं वापस अरविंदो पहुँचा हुआ। मैंने पता किया, मैंने डॉक्टर ने मतलब उनको बोला कोशिश कर दिया, लेकिन बाद में जब यही साहब पहुँचे यहाँ से तो उन्होंने बोला गोली गोली देखी गई अब उसके पीछे पीठ पे घाव। आपके यहाँ पे कब से रह रहे हैं वो? मेरे यहाँ पे तो करीब 10-12 साल से रह रहे हैं। क्या क्या काम काज करते थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मुलता ही बहराइच जिले के। किसी से कोई विवाद पुराना? नहीं, कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। अच्छा, जिसने कुछ मारा उसके बारे में जानकारी लगी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं लगी। अच्छा, आपको सिर्फ इतना ही मिला है कि उनकी मौत हो गई? हाँ, बस इसलिए मैं आया था। हॉस्पिटल से यहाँ आया, थाने आया, बाकी पुलिस छानबीन कर रही है। कहाँ पे रहते थे? कॉलोनी का नाम क्या है? लक्ष्मी। डॉक्टर से और पूछताछ करने के बाद और उसमें थोड़ा छानबीन करने का पता चला कि उसको ये चाकू के वार पीठ पे पाए गए हैं। घायल व्यक्ति हैं जो फिर बाद में थोड़ी देर बाद, जैसे कि मैंने बताया कि वो खत्म हो चुका था। प्रारंभिक अभी जो जांच में भी तथ्य सामने आए हैं कि उस व्यक्ति का नाम देशराज सिंह भदौरिया है, जो नॉटी फूड्स करके बाणगंगा क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी आइटम्स की कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। और वहाँ पर से आज वो 8 बजे अपनी शिफ्ट ख़त्म करके निकला था। उसके बाद से कुछ जो लोग उसको जो वहाँ पर भर्ती कराए हैं वो सर्वे में कराए थे कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी प्रारंभिक जांच पर फिलहाल हमें इतना पता चला है। बाकी हमने टीम्स को अन्य कार्य में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मना कर दिया गया और हम इसमें छानबीन में जुटे हुए। सर, कुछ आसपास वाले लोगों ने बताया? हम लोग उस तथ्य को भी देख रहे हैं। अभी टीम्स गई हैं, जितने भी जो लोग हैं, चश्मदीद हैं, जो कैमराज हैं या फिर जो अन्य उसके जो मोबाइल है, वो सब का हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस सब को कर रहे हैं। ठीक है।